लाहौर में आपका स्वागत है। मैं हूँ यूपी ब्यूरो सुनील श्रीवास्तव। सुनील श्रीवास्तव संघर्ष जी के साथ में आज देखिए जनपद कन्नौज के चंद कदमों की दूरी पर स्थित मोहल्ला सिकाने का हाल, जहाँ की एक और जनता कोरोना महामारी से लेकर परेशान थी, वहीं जो खौफ था वो सामने देखने को नजर आ गया। स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका की टीमें जो कि कागजों में खाना पूर्ति कर अपने आप को नंबर वन दिखाती हैं, और अभी तक जनपद में कुछ दिनों पहले सिर्फ डेंगू के दो मरीज ही निकले, लेकिन आज मोहल्ला सिकाने में ये हालत है कि 6 से 7 मरीज डेंगू के यहाँ पर उपलब्ध हैं, और अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से ना तो यहाँ कोई चेकअप कराया गया, ना ही कोई जो है कैंप लगाया गया, और नगर पालिका ने भी सफाई को लेकर यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लान नहीं किया, जबकि यहाँ आसपास कई नाले और नालियाँ ऐसी गुजरी हुई हैं जहाँ की जमा हुआ पानी भरा रहता है, और उस पानी में डेंगू के लार्वा उत्पन्न होते हैं, जिससे कि मलेरिया और डेंगू जैसे भयानक महामारी को रूप देते हैं। हमारे साथ एक हमारे साथी मौजूद है जिन्हें खुद डेंगू हुआ है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद निहाल। डेंगू आपको कब हुआ भाई? जांच कराई थी? जी कराई थी। जिला अस्पताल गए हुए थे? जी। तो क्या कहा उन्होंने? रिपोर्ट की थी तो जो रिपोर्ट में जो आ गया डेंगू पॉजिटिव। और आपके मोहल्ले में लगभग डेंगू से प्रभावित कितने लोग होंगे? कम से कम 12-13 लोग। 12-13 लोग? क्या अभी तक यहाँ पर कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाया, किसी की जांच की? नहीं, अभी कुछ नहीं की। अभी नहीं की? नहीं। हम दूसरे शहर से मिलवाते हैं मानवर मोहम्मद सानू जी से। महोदय ये बताइए आपके किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? मोहल्ला सिकाना। सिकाना। क्या दिक्कत आ रही थी, क्या वजह हुई है जो आप लोगों ने हम लोगों को बुलवाया? यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, दिन पे दिन मतलब 2-3-4 मरीज जो सिकाने से डेवलप कर रहे हैं कानपुर के लिए, और कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई भी नहीं देख के सुन रही। किस विषय में डेवलप कर रहे हैं, कौन सी बीमारी? डेंगू। तो लमसम कितने मरीज जा चुके होंगे यहाँ से? कानपुर से करीब 10 लोग, मान लो 8 से 10 लोग। 8-10 लोग कानपुर कल, कल से आज तक 3 और हुए। और स्वास्थ्य महकमा जनपद कन्नौज का कहता है कि हमारे यहाँ डेंगू के सिर्फ 1 ही 2 मरीज हैं। गलत बात है ये। क्या नगर पालिका की कोई टीम आपके यहाँ सफाई वगैरह या कोई दवा का छिड़काव करने आई? लार्वा का जो मच्छरों की दवाई डाली जाती है वो डालने आई थी? कोई नहीं आया, कोई देखने भी नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग का कोई कैंप लगाया गया? कुछ नहीं, जबकि जो है पुष्टि जो है डेंगू की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हुई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेंगू की पुष्टि की है जी। इसके बाद भी लगभग कितने मरीज होंगे आपके मोहल्ले में? इस प्रेजेंट टाइम में 10 से 12 होंगे। 10 से 12 मरीज हैं, लेकिन फिर भी कोई कैंप लगाकर या सुनिश्चित तरीके से कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं हुआ। देखिए ये है जनपद का हाल। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनपद की नगर पालिका कागजों में नंबर 1 सफाई अभियान होने का रिकॉर्ड दर्ज कराती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उससे कोई लेना देना या कोई रिश्ता और नाता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सिर्फ कोरोना महामारी को लेकर ही तवज्जो दे रही है, और क्या उसे डेंगू मलेरिया फाइलेरिया या अन्य वायरल बीमारियों से कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना था कि एक अभी कुछ दिनों पहले 102 मरीज सिर्फ उसके यहाँ डेंगू के पाए गए, लेकिन एक ये चंद सदर कोतवाली क्षेत्र के चंद दूरी कदमों पर यह मोहल्ला सिकाना बचता है, जहाँ पे 10 से 12 मरीज हैं, और वो भी जिला अस्पताल में चिन्हित हैं कि यहाँ डेंगू के मरीज हैं, और यहाँ से रिफ़र भी किया है उनकी गंभीर हालत को देखते हुए।